लोग आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखे ना हिलावा ना समझे तो ये मन ही मन मुस्कुराना बंद कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, ये बैनर देखे तो किसी को भी हंसी आएगी। अच्छी बात है ना सर, एटलीस्ट मेरे वजह से आपके चेहरे पे हंसी तो आई, किसी को रुलाने से तो बहुत बेटर है। अब जहां सवी का सम्मान उत्सव है वहीं अब आजूबा और भवानी के कहने पर ईशान वहां आ तो गया है, पर क्या अब भी सवी और ईशान के बीच की खटपट बंद होगी? जहां सवी ईशान को मुस्कुराने पर भी रोक लगा देती है वहीं ईशान भी कहीं कम नहीं सवी को ये जताने के लिए कि उसे भी वहां आने का कोई शौक नहीं था। और तभी सवी बड़े ही फिल्मी अंदाज में जा गिरती है ईशान के हाथों में और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पर अचानक जब आए हुए गेस्ट में से एक औरत सवी को देख भवानी को पूछती है कि क्या उन्होंने सवी के लिए लड़का देख लिया है, पर तभी सवी और ईशान जल्द ही खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब सवी को बड़े ही प्यार से देखती है और बोलती है कि सई की याद दिलाती है सवी और आशीर्वाद देती है कि सवी को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिले शादी के लिए। और अब तो जैसे सवी और ईशान के बीच एक अनकही बात है। पर तभी एक फोटोग्राफर जो जब भवानी परिवार का एक साथ फोटो खींचने के लिए बोलती है तो ऐसा लगता है कि सवी को अभी भी कोई बहुत बड़ा खतरा है। पर क्या ईशान सवी को इस खतरे से बचा पाएगा, क्योंकि दूसरे तरफ रीवा ईशान की राह देख रही है क्योंकि अभी उसके घर वाले रीवा की शादी की तैयारियों में जुटे हैं ईशान के साथ। और वहीं ईशान रीवा को बताता है कि वो फिलहाल रामटेक में है सवी के पास और बताता है उस हादसे के बारे में जिसकी वजह से वो रामटेक पहुंचा। और अब रीवा की माँ को एक अजीब सी बेचैनी है ईशान के मुंह से सवी का नाम सुनकर, कहीं रीवा की शादी रुक तो नहीं जाएगी सवी के चक्कर में? तो क्या सवी और पूरे परिवार इसलिए खतरे में है क्योंकि सवी ईशान के करीब होते चली जा रही है? कहाँ हो और कितनी देर लगेगी? I'm so sorry, रीवा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं फिलहाल रामटेक में हूँ। मतलब ये कि जब मैं वापस आ रहा था तो मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको यहाँ रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन सभी के सम्मान समारोह में आपको आना ही पड़ेगा। मतलब तुम सभी के आजूबा को छोड़ने रामटेक चले गए और अभी सभी का फंक्शन अटेंड कर रहे हो? और आखिर वो फोटोग्राफर कौन है जो सवी का पीछा कर रहा है हर वक्त और क्यों? हम आपको बताते रहेंगे घूमे किसी के प्यार में की सारी चटपटी अपडेट्स यहीं पर।